अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जहां सियासत अपने चरम पर थी तो वहीं सोनिया गांधी ने कहा था कि कोई भ्रम ना रहे कि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है। सोनिया ने इतने भरोसे से कहा था कि उनके पास नंबर से मानो जैसे विपक्ष मिलकर भाजपा को गिरा देगा, लेकिन वहीं जब वोटिंग हुई तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में उम्मीद से भी कम कांग्रेस को वोट मिले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितने भरोसे से कांग्रेस ने दहाड़ भरी थी उनका गणित कहाँ गड़बड़ा गया, ये कैसे हुआ और कहाँ फेल हो गया गणित जिससे उनकी सरकार का मजाक बन गया। आपको बता दें जैसे कि आप इस पोस्ट में देख रहे हैं कि सभी पार्टियों का योग करके कुल करके 113 सीट आनी चाहिए थी, लेकिन वहीं जब वोटिंग हुई तो पासा एकदम पलट गया, 7 सीटें एकदम से कम हो गई। इसका मतलब साफ है कि जितने वोटों की उम्मीद कांग्रेस ने लगाई थी उतने वोट भी उनको नहीं मिले, जबकि मोदी को अपने खाते से वोट उतने ही मिले हैं। कांग्रेस की नाकामी इस फ्रंट पर भी रही कि वो उन दलों को नहीं मना पाई जो वोटिंग से बाहर रह गए। SBN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।